नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर हरियाणा सरकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को हिट किया है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने। मामला किसानों का ही है। किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब बॉर्डर पर, मानो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, वहां पे भी इतनी सख्ती नहीं होगी, इतनी सख्ती, कोटीले तार, बैरिकेड्स, 18,000 से ज्यादा फौज, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, उधर लाख के आसपास किसान, कई जिलों में 144 धारा हरियाणा के, कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद। किसान दिल्ली आ रहा है, हरियाणा उन्हें जाने नहीं दे रहा है क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। छोटे इंजन को एक काम दिया बड़े इंजन ने कि आप इनको रोको, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम मुसीबत में आ जाएंगे। आज दूसरा दिन है, 13 तारीख को मार्च करेंगे, ये 2 महीने पहले से ऐलान किया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके शांतिपूर्व तरीके से रोड से बाकी वाहनों को जगह देते हुए किसान निकले पंजाब से हरियाणा में। सिद्धू बॉर्डर पे जैसे ही एंट्री की, वहां ये मामला पनप गया और अब पूरी दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है। अभी तक तो किसान दिल्ली में नहीं पहुंचा, लेकिन दिल्ली में पूरा ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल गया है। दिल्ली के तमाम जो पॉइंट्स है जहां से उत्तर प्रदेश हरियाणा की बाउंड्री लगती है, वहां पे लगातार पुलिस ने इतना भयावह ब्रैकेटिंग किया है, इतनी तैयारी के साथ बैठे हैं कि एक एक गाड़ी छूटती है तो जहां 20 मिनट का रास्ता तय करना है वहां दिल्ली में डेढ़ डेढ़ घंटे का लगता है। आज 1200 ने भी सर्वोच्च न्यायालय में ये बात कही कि कई वकील ट्रैफिक के चलते पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप कृपया उन पर एक्शन न ले, वो लेट हो रहे हैं, और कहा कि किसान आंदोलन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसको बंद करवाइए, ताकि अभी तो दिल्ली पहुंचे नहीं किसान तो ये तकलीफ हो रही है। इसके पहले 13 महीने 2021 में किसान दिल्ली को घेरा बैठा हुआ था, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन दिल्ली सामान्य रूप से चल रही थी। किसान हिंसक नहीं होते, वैसे ही शांतपूर्ण तरीके से जब चल रहे किसान तो किसानों के डर से उन्हें वहीं रोक लिया गया। और जब ये आपाधापी चल रही है तो एक वकील थे उदय प्रताप सिंह, वो सीधे सीधे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया उन्होंने और याचिका दायर की कि बच्चों के स्कूल कॉलेज से एग्जाम्स है और आपने इंटरनेट बैन कर दिया, किसान को क्यों रोक रहे हैं आप, क्यों पूरे रास्ते जाम कर दिए हैं, क्यों आवागमन रुका है, सड़कों पर इतना अवरुद्ध क्यों खड़ा कर दिया है। इन सारी बातों को लेके जब हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की तरफ से भी लोग आए और वहां पे हरियाणा की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी वकील पहुंचे। तो हाईकोर्ट का जो बेंच है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और दूसरे न्यायाधीश लुपिता बेनर्जी के बेंच ने इसी सुनवाई की और सर्वप्रथम उन्होंने हरियाणा सरकार को लताड़ा कि आपने शांतिप्रिय तरीके से चाहने वाले किसानों को रोका क्यों। वो आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परमिशन नहीं ली हरियाणा से आंदोलन की। उन्होंने बोला हरियाणा में आंदोलन कौन कर रहा है, आंदोलन तो उनको दिल्ली में करना है, लेकिन पंजाब से दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में हरियाणा पड़ता है, तो उनको रोकने का अधिकार आपने किसने दिया। लोकतंत्र में अपने विरोध प्रदर्शन के लिए या आंदोलन के लिए हाईवे पे चलना गुनाह कब से हो गया, ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, तो आपने किस बिना पे रखा। तो उन्होंने कहा कि वो हथियार लेके जा रहे थे किसान, आरोप लगाया। तो पंजाब के वकील ने कहा, पंजाब सरकार के, कि माय लॉर्ड ये तो पंजाब से निकले हैं, हमने भी चेक किया, ये तो बिना शस्त्र के
सिर्फ अपना खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं ट्रॉली में। इसलिए हमने उनको शांतिप्रिय तरीके से जा रहे थे तो हमने रास्ता दे दिया। अब हरियाणा ने उनको रोका, उनको पूछो। तो हाई कोर्ट ने हरियाणा को असंवैधानिक काम करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि किसानों को आप रोक नहीं सकते, हाईवे पे कोई चल रहा है उसको रोकने का अधिकार आपको नहीं है। ये कहकर आज सरकार की किरकिरी की। इसके पहले भी जब शाहीन बाग में दिल्ली में एक लंबा प्रोटेस्ट चला, तब उस प्रोटेस्ट को पाकिस्तानी से लेके बिरयानी बांट रहे और 500 रुपए मिल रहा है, क्या क्या नहीं कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया कि इनको उठा दीजिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने तब भी कहा था कि प्रजातंत्र में आंदोलन करना, विरोध करना, ये हर नागरिक का अधिकार है। यदि सरकार की बात से वो सहमत नहीं तो अपना विरोध भी प्रकट कर सकता है। ये तानाशाही सरकारें शायद सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को नहीं समझ पाए। हाई कोर्ट ने इनको नोटिसेस दिए हैं और आज यानी जब आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कल का वाकया हुआ, आज जब आप इस स्टोरी सुन रहे होंगे तब उन्होंने किसानों को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा और हरियाणा हाई कोर्ट हरियाणा सरकार को फिर अपना ये जो लताड़ पड़ी इस पे पक्ष रखने के लिए बोला है। अब हरियाणा सरकार कल क्या प्रूफ लेके आती है, क्योंकि जिस बर्बरता से हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने इन किसानों के ऊपर अन्याय किया, अभी तो हाई कोर्ट ने हिट किया जो हरियाणा सरकार हिट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 2014 से लेके 2024 तक हमने ये लगातार देखा कि कई सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां, कई निर्णय हाई कोर्ट की टिप्पणियां, इन मोटी चमड़ी वाली नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय चला गया कि एक टिप्पणी पे नेता इस्तीफा देता था, आज टिप्पणी नहीं निर्णय भी उनके खिलाफ गया, तो फिर कानून नया ला के उस निर्णय को घुमा के अपने मनमानी करने वाली जब सरकार इस देश में हो तो फिर प्रजातंत्र और लोकतंत्र रहता कहाँ है। हम जब चार स्तंभ की बात करते हैं अब संविधान के, तीन स्तंभ तो मुख्य हैं, एक स्तंभ तो जबरन मीडिया अपने आप को कहता है, अब वो भी इतना दिमक चाड़ गई उसको, इतना गोदी हो गया कि तो स्तंभ नहीं अब वो झाड़ू हो गया जो सत्ता पक्ष के दरबार में लगता रहता है और विरोध करने वालों को हमेशा बाहर करता रहता है। लेकिन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीन स्तंभ हैं। जब कोई भी एक काम नहीं करता तो बाकी दो उस पे अंकुश रखते हैं। लेकिन यहाँ सत्ता इतनी अपने मद में चूर हो गई है कि उसे किसी अंकुश का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई निर्णय दिए जिनको इन्होंने पलटा है, लेकिन हाई कोर्ट यदि लताड़ता है और हाई कोर्ट ये कहता है कि उन्हें रोकने का अधिकार आपको नहीं, तो फिर हरियाणा सरकार क्या करेगी? क्या उनको जाने देगी? या हरियाणा सरकार ने उनको जाने दिया तो क्या हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी हाई कोर्ट के खिलाफ? और सर्वोच्च न्यायालय क्या हरियाणा सरकार को वहीं रोकने देगी या दिल्ली आने देगी? आने वाले चंद दिनों में बहुत सारे फैसले होंगे, लेकिन कल हरियाणा सरकार क्या पक्ष रखती है ये देखना है। पंजाब सरकार ने तो इतना जरूर कह दिया कि ये आंदोलनकारी जा रहे हैं, ये शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं, इन्हें आतंकी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कहा, हमसे परमिशन नहीं ली, तो कोर्ट ने कहा तो वो आंदोलन हरियाणा में कर भी नहीं रहे, वो तो दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं, रास्ता हरियाणा से पड़ता है, इसलिए हरियाणा सरकार उनको रोक नहीं सकती। लेकिन फिर खट्टर साहब भी कहाँ करे, जब दिल्ली से आदेश आया उन्हें मानना होगा, वहाँ थोड़ी नैतिकता, विचार अविचार ये चलता है, संवैधानिक असंवैधानिक ये चलता है। दिल्ली ने आदेश दिया आपको करना है, इसलिए खट्टर साहब कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे टेंशन दोनों तरफ से बढ़ रही है। इधर सरकार परेशानी में है, कितना पुलिस फोर्स लगाए और कितने आंसू गैस गिराए, और वहां पे अब जो 10,000 15,000 का भीड़ थी अब वो लाख में तब्दील हो गई है। न्यूज लॉन्चर की टीम वही फील्ड पे है, जीरो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। उनके अनुसार वहां पे करीब करीब 1.5 लाख किसान और मजदूर इकट्ठा हुए हैं। 1.5 लाख और किसान मजदूर आने वाले समय में क्या शक्ल लेती है ये आंदोलन, क्या हरियाणा में कानूनन उनको प्रवेश मिलता है या फिर उन्हें जबरदस्ती करनी पड़ती है, और जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो नुकसान दोनों तरफ से होगा,
बेचारे पुलिसकर्मी, वो भी नौकरी करते हैं, क्या करें। कई पुलिस के पुलिसकर्मी होंगे जिनके, जो किसानों के बच्चे होंगे, उन्हें भी नौकरी के नाम पे ये सब करना पड़ रहा है। वो भी, उनको भी नुकसान होगा, किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है, कईयों की गोलियां लगी। आज कुछ ये भी रिपोर्ट्स आई कि जो रबड़ की गोलियां है वो असली गोलियां थी, कुछ लोग जख्मी हो गए, लेकिन हम उसको अभी पक्का, मतलब उसकी शाह निशा नहीं कर पाए। एक चर्चा जो थी वो, लेकिन हम मानते हैं कि पुलिस ने रबर बुलेट ही फायर की होगी, किसी को कुछ ज्यादा लग गया तो शायद उसको लगा कि ये ओरिजिनल बुलेट की चोट है। लेकिन क्या जो 700 किसान 13 महीने में शहीद हुए, क्या ये 700 किसान पहले सप्ताह में ही शहादत 700 किसानों की मांग रहे? जिस तरीके से प्रशासन किसानों पे टूट पड़ा, उन्हें खालिस्तानी, उन्हें अर्बन नक्सल, उन्हें राजनीतिक दलों के हाथ में खेलने वाले खिलौने, उन्हें नरेंद्र मोदी को बदनाम करने वाले, उन्हें केंद्र सरकार को अस्थिर करने वाले कहा जाता है, वो बेचारे तो सिर्फ एक मांग रहे हैं, हमें MSP का कानून दीजिए, जो सरकार ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा था कि किसानों के लिए MSP का कानून बनाइए। आज वो स्वयं उस जगह पे है, वो कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या मजबूरी थी वो तो वो जाने, इनकी मजबूरी कम से कम एक खुल के देश के सामने बता सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।